हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियोवी न्यूज़। तो वक्त हो गया है दोपहर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि किसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दोपहर की बड़ी खबरें। यूपी में खोले जाएंगे दो नए मेडिकल कॉलेज, सीएम योगी ने की घोषणा। खबर है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में दो नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने को लेकर एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। बकौल योगी, इनमें से एक मेडिकल कॉलेज मऊ जबकि दूसरा शामली जिले में खुलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य में 2017 से पहले सिर्फ 12 सरकारी मेडिकल कॉलेज थे, यह संख्या अब 45 हो गई है। राजस्थान में पबजी जैसे गेम खेलने वाले केस पर स्पेशल टीचर ने कहा, बच्चे को पुरानी जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं। खबर है कि राजस्थान में पबजी जैसे गेम की लत से एक बच्चे का मानसिक संतुलन बिगड़ने के बाद उसे एक विशेष आवासीय विद्यालय में रखा गया है, जहां उसकी निगरानी की जा रही है। विद्यालय के स्पेशल टीचर भवानी शर्मा ने बताया कि बच्चे को पुरानी जिंदगी के बारे में अब कुछ भी याद नहीं है और न ही वह कुछ बता पा रहा है। बच्चे के पिता ने कहा कि बच्चा उनको अंकल और उनकी माँ को आंटी कह रहा है। बता दें कि उन्होंने कहा कि हमने बच्चे के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का एक फॉर्मेट तैयार किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट में दो नए न्यायाधीशों को किया नियुक्त। खबर है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस उज्जल भुइया को और केरल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एसवी भट्टी को सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर नियुक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 5 जुलाई को इन न्यायाधीशों की पदोन्नति की सिफारिश की थी। इन नियुक्तियों से सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 32 हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 34 स्वीकृत है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नए अध्यक्ष बनाए गए सांसद दीपक बैज, सीएम बघेल ने दी बधाई। खबर है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बस्तर से लोकसभा सांसद और आदिवासी नेता दीपक बैज को पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बैज को बधाई दी है और निवर्तमान अध्यक्ष मोहन मरकाम का भी आभार जताया। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं। ममता बनर्जी ने कहा, पंचायत चुनाव के दौरान लोगों की मौत से दुखी हूं, पुलिस को कार्रवाई करने की छूट दी है। खबर है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वह पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान हिंसा में लोगों की मौत होने से दुखी हैं। उन्होंने कहा कि हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस को खुली छूट दे रही हूं। बकौल ममता बनर्जी, राज्य में 71,000 बूथों पर चुनाव हुए लेकिन हिंसा 60 से कम बूथों पर हुई है। एलन मस्क ने किया अपनी नई कंपनी XAI शुरू करने का ऐलान। खबर है कि दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने XAI नामक कंपनी शुरू करने का ऐलान किया है। कंपनी की वेबसाइट पर लिखा है कि XAI का लक्ष्य ब्रह्मांड के वास्तविक स्वरूप को समझना है। वेबसाइट पर आगे लिखा है कि हम एक्स कॉर्प से अलग हैं, लेकिन अपने मिशन को बढ़ाने के लिए एक्स यानी ट्विटर और टेस्ला और अन्य के साथ मिलकर काम करेंगे। एलन मस्क खुद कंपनी की टीम की अगुवाई कर रहे हैं। दिल्ली में 208 मीटर के पार पहुंचा यमुना का जलस्तर, उपराज्यपाल ने बैठक बुलाई। खबर है कि केंद्रीय जल आयोग के अनुसार दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बुधवार रात 11 बजे 208.08 मीटर तक पहुंच गया। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बढ़ते हुए जलस्तर को लेकर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी DDMA की बैठक बुलाई है। गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने बाढ़ की आशंका वाले इलाकों में CRPC की धारा 144 लगा दी है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोवी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।